एक सुपर हीरो मूवी में एक विलन की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है ये हम सबको पता है। एंड तुम खुद सोचो, अगर कोई विलन एग्जिस्ट ही ना करे तो सुपर हीरोज किसके अगेंस्ट फाइट करेंगे? क्या उनके होने ना होने से कोई फर्क भी पड़ेगा? अब एक बात तो क्लियर है, एक सुपर हीरो मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक विलन का पावरफुल होना, रेलेवेंट होना एंड सच बताओ तो डेंजरस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक अच्छा विलन वही है जो सुपर हीरोज को लिमिट्स क्रॉस करने पे मजबूर कर दे। एक अच्छा विलन वही है जो सुपर हीरोज को मेंटली एंड इमोशनली तोड़ के रख दे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अच्छा विलन वही है जो सुपर हीरोज को खुद को सेक्रीफाइस करने पे भी मजबूर कर दे। एंड अगर सच बताओ तो इस पॉइंट पे मार्वल इन सारी चीजों को भूल चुका है। मतलब ये हो क्या रहा है, एक थैनोस जितने पावरफुल विलन को दिखाने के बाद इन्होंने विलन्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा डाउन कर दी है कि हम लिटरली किसी विलन को याद ही नहीं रख पाते। वो बस आते हैं एंड चले जाते हैं बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के एंड बिना कोई ऐसे मोमेंट के जिन्हें हम कुछ सालों तक याद रख सके। वेल, ऐसे विलन्स का कोई मतलब नहीं है। ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि मार्वल की कुछ पिछली मूवीज इतनी ज्यादा बकवास परफॉर्म कर रही है। अब फेज 1 के ही विलन्स को देख लो, अर्नीम जोला, जस्टिन हैमर, राजा, विप्लैश, जनरल रॉस, ओबेडिया स्टेन, रेड स्कल, लूफी, एबोमिनेशन एंड लोकी। अब तुम ही बताओ कि इनमें से कितने विलन्स तुम्हें याद थे? ज्यादा से ज्यादा लोकी, रेड स्कल, एबोमिनेशन। एंड ये एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि हर एक विलन के साथ हम उतने इमोशनली अटैच नहीं होते कि हम उसे याद रख पाए। अब फेज 2 में ही मेनली तुम्हें दो विलन्स याद होंगे, एक अल्ट्रॉन क्योंकि उसने अकेले ही एवेंजर्स की लंका लगा दी थी, एंड दूसरा विंटर सोल्जर। भले ही बकी अभी एक अच्छा इंसान बन चुका है बट पास्ट में उसने कुछ ऐसा किया है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। ये सीन को देखने के बाद लिटरली गूस बम्स आ जाते हैं। बट दूसरी तरफ क्या तुम्हें पता है कि ये तीनों कौन है? वेल, अब बात करते हैं फेज 3 की। ये एक ऐसा फेज था जिसे तुम विलन्स का गोल्डन फेज भी कह सकते हो क्योंकि इसी फेज में हमने डोरमामू, सर्टर, ईगो जैसे जाइगेंटिक विलन से लेके हेला, मिस्टीरियो एंड ग्रेट ग्रैंड मास्टर जैसे क्रिएटिव विलन्स भी देखे। एंड अगर सच बताऊं तो फेज 3 के कई सारे विलन्स हमें याद है एंड इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इन विलन्स ने हीरोज को लिमिट्स क्रॉस करने पे मजबूर कर दिया था। अब चाहे वो स्टार लॉर्ड एंड ईगो की फाइट हो जहां हमने स्टार लॉर्ड को फुल पोटेंशियल पे देखा, या थॉर वर्सेस हेला जहां हेला के वजह से और को पता चला कि वो गॉड ऑफ हैमर्स नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर है, एंड मिस्टीरियो जिसकी वजह से स्पाइडरमैन को पता चला कि आयरन मैन के बिना भी जिंदगी जी सकते हैं, एंड ऑब्वियसली थैनोस जिसकी वजह से आयरन मैन ने बिना कुछ सोचे खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। अब अगर सच बताऊं तो फेज 3 के बाद मार्वल इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि लिटरली मोदी जी भी एवेंजर्स के बारे में बात कर रहे थे। इन दिनों मैंने सुना है कोई एवेंजर फिल्म चल रही है। बट जैसे ही फेज 4 आया मार्वल का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। एक के बाद एक मूवीज रिलीज तो हो रही थी बट इनमें से कोई भी हमारे एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतर रही थी। अब चाहे वो ब्लैक विडो हो, इटर्नल्स हो, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हो या फिर थॉर लव एंड थंडर, अगर मैं सच बताऊं तो फेज 4 में स्पाइडरमैन नो वे होम के सिवाय मुझे एक भी मूवी अच्छी नहीं लगी। एंड अगर मैं सीरीज की भी बात करूं तो लोकी ही एक ऐसी सीरीज थी जिसे देखने के बाद लिटरली मजा आया था, एंड मून नाइट भी कई हद तक सही थी। अब तुम ही बताओ कि फेज 4 में क्या कोई भी ऐसा विलन था जो तुम्हें याद है, या कोई ऐसा विलन जिसके साथ तुम इमोशनली अटैच हुए हो? अगर सच बताऊं तो ऐसा कोई भी विलन नहीं था फेज 4 में। अब तुम ही बताओ कि स्पाइडरमैन नो वे होम के इतने हिट होने का रीजन क्या था? ऑब्वियसली विलन्स थे जिनको हराने के लिए तीन अल्टरनेट यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन को एक साथ पड़ा था। एंड अगर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बात करूं तो एक क्लियर पॉइंट यही है कि इनके पास कोई मल्टीवर्सल विलन का प्लान था ही नहीं, इसीलिए इन्होंने वांडा को उठाया एंड विलन बना दिया। ये मूवी एक एग्जांपल है कि एक विलन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब थॉर लव एंड थंडर को ही देख लो, जब मैंने गौर के बारे में सुना तो मेरे को लगा था कि गौर अकेले ही पूरी मूवी ले जाएगा क्योंकि कॉमिक्स वाला गौर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने थॉर को फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली तोड़ के रख दिया था। एंड गौर को मारने के बाद भी कई सालों तक थॉर डिप्रेशन में ही था। एंड दूसरी तरफ MCU वाला गॉड डेंजरस फील ही नहीं होता, एंड वैसे भी जिस मूवी की स्टोरी लाइन ही इतनी खराब थी तो विलन्स के बारे में बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं आता। अब तुम सोच रहे होगे कि कैंग को लेके मेरा क्या पर्सपेक्टिव होगा, तो अगर सच बताऊं तो लोकी तक मुझे कैंग बहुत अच्छा लगा था। जिस तरीके से जोनाथन मेजर्स ने उस रोल को प्ले किया एंड जिस तरीके से कैंग उस स्टोरी लाइन में फिट हुआ था वो बेस्ट था। बट जब से मैंने एंटमैन वाले कैंग को देखा है मेरी एक्सपेक्टेशंस लिटरली डाउन हो चुकी हैं। एंड अभी कैंग के बारे में ज्यादा कुछ कहना ऑब्वियसली सही नहीं है, कैंग डायनेस्टी का वेट करते हैं, शायद कुछ अच्छा देखने को मिले। एंड वैसे भी मैं कैंग के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, मैं वेट कर रहा हूं डॉक्टर डूम का।
तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस टॉपिक पे तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं वो तुम्हारे तक सबसे पहले पहुंचे। एंड हाँ, कमेंट्स में बता देना कि इन सारे विलन्स में से थैनोस को छोड़ के तुम्हारा कौन सा फेवरेट है। तब तक के लिए एंजॉय।